तो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आप भी अपना इलेक्ट्रिक बिल, अपने घर का बिल या अपना जो है मोटर का बिल, आप किसी भी तरह का बिल, इलेक्ट्रिक बिल पता करना चाहते हो, तो अगर आप भी बिजली का बिल को देखना चाहते हैं, आपका बिजली का बिल क्या है, कितना है, अगर आप देखना चाहते हो वो लेन चेक करना चाहते अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से, अपने जो है बिजली का नंबर है, या अपना जो है मोबाइल नंबर से, या अपने अकाउंट नंबर से देखना चाहते हैं कि आपका बिजली का बिल कितना है, इलेक्ट्रिक कितना आया है या नहीं आया, कितना है, अगर आप देखना चाहते हो वो चेक करें, तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ अपना बिजली का बिल कैसे पता करें, कि आपका बिजली का बिल कितना है, अगर आप उसे जमा भी करना चाहते हो उसे कैसे जमा करें, वो भी बताने वाला हूँ कि उसे जमा भी कैसे करें ऑनलाइन, अगर आप जमा करना चाहते हो उसे कैसे करें, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक बने रहें, चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना बोले। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में गूगल या क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं, उसके बाद सर्च ऑप्शन में टाइप करते हैं इलेक्ट्रिक बिल। इलेक्ट्रिक बिल डालने के बाद सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको फोन सबसे ऊपर लिंक आता है पे बिल होम ऊपर उत्तर प्रदेश, तो आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना। इसी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जो इलेक्ट्रिक बिल के ऑफिस साइड है आप उस पर लॉगिन हो जाता है। इस साइड का लिंक में वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्टली आ सकते हैं। डायरेक्टली आने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट डालने का ऑप्शन आया, उसके बाद आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में अपना इलेक्ट्रिक बिल पता करना चाहते हैं कि आपका इलेक्ट्रिक बिल कितना है, बिजली का बिल कितना है, तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जो अपना इलेक्ट्रिक बिल पता करना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके डिस्ट्रिक्ट जहाँ भी है तो हम डिस्ट्रिक्ट का चयन यहाँ से कर लेते हैं, कि आपको डिस्ट्रिक्ट जहाँ जहाँ भी आप इलेक्ट्रिक बिल पता करना चाहते हैं यहाँ से डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट का चयन करने के बाद आपको यह डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद अकाउंट नंबर डालने का ऑप्शन आ गया, तो आप जिस पे अकाउंट नंबर से अगर आप बिजली का बिल पता चलने के लिए बिजली का बिल कितना है, तो अगर आप भी अपने अकाउंट नंबर से देखा जाते हैं कि हमें बिजली बिल का जब आपने रजिस्टर करवाया तो उसमें जो अकाउंट नंबर मिला तो उससे अपना बिजली का बिल पता करना, तो अकाउंट नंबर को ऑप्शन पर क्लिक करके जो भी अकाउंट नंबर है अकाउंट नंबर डाल के यहाँ से बिजली का बिल पता कर सकते हैं। अगर आप अकाउंट नंबर से नहीं देखा जो मोबाइल नंबर लगा हुआ है अपने बिजली बिल में उससे जो है चेक करना चाहते हैं आपका बिजली का बिल कितना है, तो मोबाइल नंबर का ऑप्शन पर क्लिक कर आपका जो भी बिजली का बिल मोबाइल नंबर है उससे डालकर मैं बिजली बिल को चेक कर सकते। जैसे मैं रजिस्ट्रेशन पर निकालने वाला हूँ अकाउंट नंबर से देखने वाला हूँ, तो मैं अकाउंट नंबर को ऑप्शन पर क्लिक कर दूँ, अकाउंट नंबर को ऑप्शन पर क्लिक कर आपको जो भी अकाउंट नंबर था आपको यहाँ डाल देना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको एक नीचे कैप्चा कोड चमकता है, तो आपको जो भी कैप्चा कोड है सेम कैप्चा कोड इस बॉक्स में फिल कर देते हैं। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको एक नीचे ऑप्शन चमकता है व्यू का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना। व्यू को ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेना, वेट लेना है, उसके बाद आपको जो आयुष्मान कार्ड की जो आपकी बिजली बिल है वो निकल कर आ जाता है कि आपका बिजली बिल कितना है, इलेक्ट्रिक बिल कितना है, जो यही जो आपने आप अकाउंट नंबर डाला था उसका अकाउंट नंबर जो भी है वो पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। सबसे पहले आपका नाम क्या है वो शो हो जाए, उसमें आपको पहला पेमेंट जो किस तारीख को ड्यू करा है वो शो हो जाए, उसके बाद आपको कितना पेमेंट है, जो आपका इलेक्ट्रिक बिल है वो कितना है, उसके बाद पहले बिल कितना था, कितना जमा करा है, कितना रह गया है, उसका वो पेमेंट शो हो जाए, उसके बाद आपको जो कितना बिल पे करना है, किस चीज़ से पे करना है, तो उसके बाद आपको डिटेल शो होगी कि आपको किस चीज़ से पे करना है, कितना पे करना है, वो भी यहाँ शो होगी। तो उसके बाद आपका जो भी बिल है, जितना भी बिल है आपका जो है यहाँ से, अगर आप इसका पूरा बिल निकाल सकते हो तो व्यू बिल का ऑप्शन पर जो फोन नंबर लगा हो उस पर एक OTP आएगा, वो डालकर मैं जो है व्यू बिल यहाँ से निकाल सकते हैं। आपको जो भी बिल का है बिजली का बिल जितना भी, तो आपको व्यू बिल का ऑप्शन पर क्लिक यहाँ से बिजली का बिल निकाल सकते हो। इस तरीके से अगर आप भी अपना इलेक्ट्रिक बिल पता करना चाहते हैं कि आपका बिजली का बिल कितना है, अगर आप निकालना चाहते हो ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं कि आपका बिजली का बिल कितना है कितना नहीं है, अपने मोटर का बिल या अपने इलेक्ट्रिक बिल घर का बिल पता करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप भी अपने इलेक्ट्रिक बिल को पता कर सकते हैं, बिजली बिल को निकाल सकते हैं, आपका बिजली का बिल कितना है अगर आप निकालना चाहते हैं इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कोचिंग से ना।